नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे जिसका नाम है जैन धर्म। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म आपके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखा है ऊपर जैन धर्म। तो जैन संस्कृत के जीन शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब, जीन का मतलब कोई भूत पिशाच वाला जीन नहीं, तो यहाँ पे जीन का मतलब होता है विजेता। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट को। जैन शब्द आप लोग मेरे साथ नोट करते जाएंगे, जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना हुआ है, जीन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता कौन होता है? जो अपने मन, वाणी तथा अपने शरीर को जीत लिया हो। लिख लीजिएगा इसके आगे, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जो अपने मन, वाणी तथा शरीर को जीत लिया हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं। जैन अनुश्रुतियों तथा परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। आप लोग इसके आगे भी नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैन जैन अनुश्रुतियों एवं परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो तीर्थंकर का मतलब होता है आपका सर्वोच्च धर्मगुरु। यहां पे हम लिख देते हैं, तीर्थंकर का अर्थ होता है सर्वोच्च धर्मगुरु। तो देखिए, जैन अनुश्रुतियों एवं परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए तथा आगे लिख देते हैं, तथा जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या इन्हीं का नाम क्या मिलता है? आदिनाथ। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का नोट हो गया होगा दोस्तों, उसके बाद से आगे देखिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन भी आया है, अभी हम एक एग्जाम देकर आए हैं, वहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव एवं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि अरिष्टनेमि का उल्लेख अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हुआ क्वेश्चन आपका। अभी हम आपको दिखाएंगे ए टॉपिक क्लियर करने के बाद, उसके बाद समय आपको क्वेश्चन भी कराएंगे या कैसे कैसे पूछा गया है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ऋषभदेव के संबंध में यह कहा जाता है कि ऋषभदेव के संबंध में यह कहा जाता है कि ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे। अयोध्या के राजा थे तथा राज्य का त्याग पुत्र भरत के पक्ष में कर दिया, भरत के पक्ष में कर दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आगे देखिएगा, पौराणिक परंपराओं के अनुसार इसी भरत के नाम पर अपने देश का नाम या देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आपसे, तो आप लोग इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं जो वेरी मच इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। पार्श्वनाथ ने क्या किए थे, 4 महाभारत चलाए थे। तो देखिए, पार्श्वनाथ
पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रत इस प्रकार हैं। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा पहला, सत्य यानी सत्य बोलना, दूसरा अहिंसा यानी हिंसा मत करना, किसी जीव जीव और जानवर को मत मारना, तीसरा अपरिग्रह, इसके मतलब क्या होता है दोस्तों, धन इकट्ठा या धन संचय मत करना, धन संचय न करना। उसके बाद से चौथा और आखिरी महाव्रत इनका क्या है, अस्तेय, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, चोरी मत करना, चोरी न करना, ठीक है दोस्तों। और महावीर स्वामी द्वारा इसमें एक महाव्रत और जोड़ दिया गया जो कि ब्रह्मचर्य था। जब हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि जब एक महाव्रत और जोड़ दिया गया तो पांच महाव्रत हो गए, और वह महाव्रत कौन था, तो उसका नाम ब्रह्मचर्य था। यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पार्श्वनाथ से संबंधित, पार्श्वनाथ ने अपने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की भी, प्रवेश की भी अनुमति दी। हमें क्या पता चलता है, जैन ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है कि स्त्री संघ की अध्यक्षता कौन थी, पुष्पचूला थी। या स्त्री संघ की क्या थी, अध्यक्षता थी या प्रधान थी, ठीक है दोस्तों, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी की वो भिक्षुणी कौन थी, तो चंदना थी। तो हम जब महावीर स्वामी को पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर आपको बताएंगे। आप लोगों का इतना नोट हो गया होगा दोस्तों, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देखिएगा वेरी मच इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, कौन थे, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को ही क्या कहा जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ठीक है दोस्तों। तो बस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम महावीर स्वामी के विषय में आप लोग को हम बताएंगे, और अगले वाले वीडियो में हम लोग महावीर स्वामी के विषय में कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि बज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के प्रधान थे, और इनके माता का नाम त्रिशला
जो कि लिच्छवी शासक राजा चेटक की बहन थी, और इनके पत्नी का नाम यशोदा मिलता है तथा पुत्री का नाम अरुज्या या सुज्या या प्रियदर्शनी प्राप्त होता है तथा इनके बहन का नाम सुदर्शना और तथा इनके भांजा का नाम जमाली प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, 28 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पर यह 2 वर्ष रुक गए और 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने एक रत्नजड़ित पालकी जिसका नाम क्या मिलता है, चंद्रप्रभा, एक रत्नजड़ित पालकी चंद्रप्रभा में सवार होकर के राजगिरी होते हुए नालंदा पहुँचे और वहीं पे इनकी मुलाकात आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल से हुई और मक्खल गोसाल इनका शिष्य भी बना और मक्खल गोसाल ने इनके साथ साथ 6 वर्षों तक रहा और 6 वर्षों के पश्चात मक्खल गोसाल श्रावस्ती चला गया। उसके बाद से महावीर स्वामी कहाँ आ गए, वैशाली आ गए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 13वें वर्ष जम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। कैवल्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद से महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। उसके बाद से महावीर स्वामी ने अपना प्रथम धर्म उपदेश पावा में दिए थे, पावा में पावानगर, जो कि राजगिरी के समीप स्थित है, और वहीं पे सर्वप्रथम इंद्रभूति गौतम को क्या किए थे, दीक्षित किए थे। ठीक है दोस्तों, और 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में ही महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। तो इससे रिलेटेड जो लिखने वाला पॉइंट है दोस्तों, हम लोग कल करेंगे पार्ट 2 में, इसलिए कि लिखना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये तो सब दोस्तों माया है, लिखना ही आपके लिए मोक्ष होगा। तो ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आपको दिखाना था, हम दिखा दे रहे हैं आपको कि वो कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31 है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हो। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का नाम मिलता है, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का नाम मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया है यहाँ पे देखिएगा, ए पार्श्वनाथ एवं मल्लिनाथ, बी में देखिए क्या पूछा गया है, अश्वजीत एवं अजीतनाथ। सी में देखिए ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, और डी में क्या पूछा गया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तभी हम लोग कुछ समय पहले क्या पढ़े थे कि ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का नाम, ऋषभदेव ऋग्वेद के प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में क्या है, उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।